समर में आप अगर इसको नहीं काटेंगे तो ये सर्दी के लिए बिल्कुल इतना मोटा लकड़ तैयार हो जाएगा, जो हमारी जो मेन टहनी है कमज़ोर हो जाएगी। जब समर प्रूनिंग जब करते हैं तो सारी ग्रोथ इसके लिए जाएगी और हमारे नए जो बीमे फटना शुरू हो जाएंगे। समर प्रूनिंग से ऐसा फ़ायदा होता है, जहाँ आपका पेड़ 4 साल में बढ़ना है वो 1 साल में ही उतना बढ़ पाता है। जो हम ग्रोथ दे रहे हैं, जो हम जहाँ हमारे को ग्रोथ चाहिए उसके लिए ग्रोथ दे रहे हैं। सबसे बेटर फ़ायदा समर प्रूनिंग का होता है। तभी बार बार बागवानों से गुजारिश रहती है हमारी कि भाई समर प्रूनिंग जरूर करें। समर प्रूनिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। जो ये प्लांट देख रहे हैं आप, ये 4 साल का प्लांट है जी। हमारी हाइट है यहाँ की 6000 फीट। बड़े मुश्किल से यहाँ पेड़ चलाना पड़ता है। लो एलिवेशन में आप समर प्रूनिंग करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा उतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और ज़रूरी है ध्यान रखना आपने कि भाई जो समर प्रूनिंग को आपने मैनुअली हाथ द्वारा ही करनी, निचोड़ के। एक गलती कैंची लगाने की गलती कभी नहीं करनी। यहाँ देख सकते हैं आप इतनी ग्रोथ फालतू निकाल रहे हैं ऊपर। अभी जो समर प्रूनिंग वहीं करनी है आपने, जो शूट ग्रोथ में जा रहा है, जो शूट छोटा रह रहा है तो 4 से 6 इंच का जो है वो आपने बिल्कुल ना छेड़ना, क्योंकि 4 से 6 इंच के जो लिटलस होते उसमें 50% फसल आती है। देखा देखी हमें बागवान इस तरह की तकनीक ना अपनाए। यहाँ साथ में देख सकते हैं आप SVO फार्म का जो बगीचा है, यहीं मेरी पर्सन के साथ ही लगता है। ये जो प्लांट है रेड ब्लॉक्स का है, इसमें रेड ब्लॉक्स में एक खासियत ऐसी है कि इसमें अस पर बिल्कुल धीमी